हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट से देखिए क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 में 7.1 में हमने पहले वीडियो देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो यहाँ पे। चलो, फाइंड फोर नंबर इन जी पी सच दैट सम ऑफ द मिडल टू नंबर्स इज 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। देखो, फाइंड हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। कौन से नंबर? फोर नंबर्स, ठीक है। सच दैट सम ऑफ मिडल टर्म इज 10/3, मतलब सम ऑफ मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म की सम कितनी है, 10/3 है। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये फोर नंबर आर इन जीपी है तो कौन से नंबर आएंगे। देखो हमें लिख लेते हैं, लेट फोर नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव में है। तो कौन से है ये? ये है ए बाय आर का क्यूब, ओके, ए बाय आर, यहाँ पे रहेगा ए आर और ए आर का क्यूब, ठीक। तो ये चार नंबर हमारे पास यहाँ पे दिए, फोर नंबर, ठीक है। तो अगर कोई भी फोर नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर का क्यूब, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया। अभी आगे क्या बोला है, द सम ऑफ मिडल टू नंबर्स, मतलब सम ऑफ द मिडल टू नंबर्स। तो मिडल टू नंबर कौन से है यहाँ पे, मिडल टू नंबर देखो यहाँ पे ये, ठीक है, मिडल टू नंबर हमारे यहाँ पे ए बाय आर एंड ए आर, ठीक है, ए बाय आर एंड ए बार, कितनी सम है उनकी, इतनी सम है 10/3। देयर फोर यह लिखते हैं हम, देयर फोर सम ऑफ मिडल टर्म, ठीक है, कहते हैं सम ऑफ मिडल टर्म, सम ऑफ मिडल टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ मिडल टू नंबर्स, सम ऑफ मिडल टू नंबर्स कितना है, ये है इज 10/3, इज 10/3। देयर फोर मिडल नंबर कौन से यहाँ पे, ये यहाँ पे, देयर फोर ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना है, एंड देयर प्रोडक्ट है 1, मतलब प्रोडक्ट किसका है, सम ऑफ मिडल टर्म का है या पूरे नंबर का है। तो पूरे नंबर का हम लेंगे, फोर नंबर आर इन जीपी सम ऑफ देयर टू टर्म्स इज 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब सभी का जो प्रोडक्ट है ये कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। तो ये चार नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, ए बाय आर क्यूब इंटू, प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर का क्यूब इज इक्वल टू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट कितना है, 1 है। इसको देते हैं सपोज इक्वेशन 1 और ये हमें इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आर क्यूब इंटू आर एस्टिथ पावर होगा, ये होगा 3a² क्यूब, ठीक है, ये कितना होगा, ए क्यूब होगा, सॉरी ये कितना होगा यहाँ पे, ये होगा ए क्यूब इज इक्वल टू, ये आर क्यूब इंटू आर आर स्क्वायर रेस्ट पावर 4 होगा और ये आर रेस्ट पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आर रेस्ट पावर 4 अपॉन आर रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, देयर फोर ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा 1, ये आर कैंसिल हो जाएगा आर रेस्ट पावर, देयर फोर ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ निकालेंगे हम उसका, तो ये क्या होगा, ए ए रिस्ट्रिक्ट पावर 4 आएगा, ये 3 नहीं, ए रिस्ट्रिक्ट पावर 4, तो ए रिस्ट्रिक्ट पावर 4 कितना होगा, ये 1, मतलब ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1 आप इसको, और ए इक्वल टू हम 1 जनरली आप यूज कर सकते हैं। अभी देखो, द सम ऑफ मिडल टू टर्म्स, सम ऑफ मिडल टू टर्म्स कितना है, 10/3। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं उसको, देयर फोर नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते, तो क्या आएगा, देखो ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 10/3 है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो 1/r प्लस आर इज इक्वल टू आएगा 10/3, ये उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे अभी, तो ये क्या आएगा, 1 + r का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 10/3, ओके। अभी क्या कर देंगे, ये 3 डिवाइड इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, ये होगा 3 1 + r का स्क्वायर इक्वल टू होगा 10r, r इस साइड जाएगा, ये क्या होगा, देखो देयरफॉर 3 + 3r का स्क्वायर इक्वल टू 10r, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ उसको, देयरफॉर
थ्री आर स्क्वेयर माइनस टेन आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें निकालने यहाँ पे फैक्टर, बाद में हम वैल्यू पुट करके नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो थ्री आर स्क्वेयर मतलब ये थ्री इंटू थ्री कितना होगा, ये होगा नाइन, नाइन का फैक्टर कितना है माइनस टेन आना चाहिए, नाइन वन जो नाइन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देर फोर थ्री आर स्क्वेयर माइनस टेन आर, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस नाइन आर और माइनस आर, माइनस माइनस क्या होगा, ये होगा प्लस, ओके तो माइनस आर हम यहाँ पे निकालेंगे फैक्टर नाइन, थ्री थ्री जा नाइन होगा, नाइन इंटू वन अगर हमने कर दिया तो नाइन वन जा नाइन, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो ये क्या होगा, दोनों माइनस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे माइनस आर आएगा और प्लस आएगा थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये थ्री आर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या रहेगा आर माइनस थ्री और माइनस वन कॉमन लिया, आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करके देखना है, थ्री आर इंटू आर स्क्वेयर, थ्री आर स्क्वेयर होगा थ्री आर इंटू थ्री नाइन आर माइनस वन आर माइनस माइनस प्लस, ओके तो आर माइनस थ्री एंड थ्री आर माइनस वन ये हो गए इसके फैक्टर, देयर फॉर आर इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आर इक्वल टू थ्री एंड आर इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे वन बाय थ्री आएगा, आर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू गई, आर इक्वल टू थ्री एंड आर इज इक्वल टू वन बाय थ्री। देखो अभी ए बी एंड हमारे पास ये क्या था, ए इक्वल टू था वन, ठीक है ए कितना था, ए इक्वल टू था वन हमारे पास, तो ये वैल्यू हम अगर पुट करेंगे देयर फोर द फोर नंबर्स आर, ठीक है फोर नंबर्स आर, फोर नंबर आर ये क्या नंबर थे हमारे पास, देखो ए बाय आर का क्यूब, ठीक है ए बाय आर और था ए आर और ए आर का क्यूब, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको, ठीक है ए बाय आर ए कितना था हमारे पास, तो ये इफ आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हम थ्री ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, ये ए कितना है हमारे पास वन, वन अपन आर का क्यूब कितना है, तो आर का क्यूब थ्री का क्यूब कितना है ट्वेंटी सेवन, सेकेंड नंबर आएगा वन बाय थ्री, थर्ड नंबर आएगा थ्री और फोर्थ नंबर आएगा 27, ठीक है अभी इफ आर इज इक्वल टू अगर हम वन बाय थ्री लेते हैं, ठीक है इफ आर इज इक्वल टू वन बाय थ्री अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अगर वन बाय थ्री हमने ले लिया तो ये क्या आएगा, देखो ए बाय आर का क्यूब मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा यहाँ पे वन बाय आर का क्यूब मतलब वन बाय 27, तो ये आएगा 27 ओनली, ये ऊपर जाएगा नीचे का, ठीक है वन बाय अपॉन 27 होगा ये, और ये होगा वन बाय मतलब ये थ्री एंड ये होगा अगेन थ्री होगा ये, और ये होगा वन बाय थ्री और ये होगा और ट्वेंटी वन बाय 27, ठीक है तो इस प्रकार ये नंबर हमारे पास आ जाएंगे, ये दोनों में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो फोर नंबर सार ये आप इसको लिख सकते हैं, इफ आर इज इक्वल टू थ्री है और इफ आर इज इक्वल टू वन बाय थ्री है, तो ये हमने यहाँ पे निकल लिया। चलो आगे उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर एट देखो यहाँ पे क्या है, ओके फाइंड फाइव नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024, फाइंड एन टर्म, अभी फाइव नंबर का बोला है हमने, तो हमने इसके पहले स्टार्टिंग के वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये थर्ड लेक्चर चल रहा है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर टू नंबर थ्री नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, थ्री नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, फोर नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, फाइव नंबर ज्योमेट्रिक जीपी में है, तो आपको ये नंबर कौन से, तो जनरल फॉर्म में हमने फार्मूला देखा था, अगर यहाँ पे देखो अभी फाइव नंबर्स आर इन जीपी है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024, ठीक है 1024, फाइंड द टर्म इन स्क्वेयर ऑफ द थर्ड टर्म, ठीक है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज द स्क्वेयर ऑफ द थर्ड टर्म, देखो यार क्या दिया फाइव नंबर, लेट फाइव नंबर्स आर, फाइव नंबर्स नंबर्स आर इन जीपी है, ठीक है फाइव नंबर्स क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो कौन सी फाइव नंबर ये है, ये आता है ए बाय आर का स्क्वेयर, ए बाय आर, ए ए आर और ए आर का स्क्वेयर, देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके ये नंबर क्या है जीपी में, सच दैट देयर प्रोडक्ट कितना है, देयर प्रोडक्ट इज 1024, देयर फोर प्रोडक्ट कितना है ए बाय आर का स्क्वेयर इंटू ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इंटू ए आर का स्क्वेयर इक्वल टू कितना है 1024, अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या आएगा, देखो आर इंटू आर तो आर क्यूब होगा और ये आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए ए ए दो तीन और चार, ठीक है पांच हो गए, तो ए रिस्ट पावर फाइव इज इक्वल टू 1024 हो जाएगा, ओके तो ए रिस्ट पावर फाइव 1024 मतलब कितना है, ये ए रिस्ट पावर फाइव इज इक्वल टू अगर हम फोर रिस्ट पावर फाइव कर देंगे, ठीक है फोर रिस्ट पावर फाइव मतलब फोर का अगर हम पाँच बार मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव टाइम्स, देखो यार वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये कितना होगा, ये होगा सिक्सटीन, ये होगा सिक्सटीन और इंटू होगा ये फोर, ठीक है ये सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन कितना होता है, ये आप कर देंगे
तो ये पूरा आपको यहाँ पे आ जाएगा 1024। ओके, तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देर फोर फाइव फाइव गेट कैंसल, देर ए इज इक्वल टू लॉ ऑफ इंडाइसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू फोर। ओके, एक ही टर्म आ गया हमारे फॉर भी फोर। अभी क्या बोला है, फिफ्थ टर्म इज द स्क्वेयर ऑफ द थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये स्क्वेयर है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का स्क्वेयर इज द फर्स्ट टर्म बोला है। ठीक है, फिफ्थ टर्म का स्क्वेयर इज द थर्ड टर्म बोला है। तो देखो यहाँ पे नाउ फिफ्थ टर्म, ठीक है फिफ्थ टर्म का बोला है ना, हाँ फिफ्थ टर्म इज द स्क्वेयर ऑफ, ठीक है स्क्वेयर ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है फिफ्थ टर्म इज द स्क्वेयर ऑफ थर्ड टर्म। देयरफॉर क्या आएगा, देखो फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास, ए आर का स्क्वेयर है, स्क्वेयर थर्ड टर्म है, तो ये हमने गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फिफ्थ टर्म हमारी है ए आर स्क्वेयर इज द स्क्वेयर ऑफ थर्ड टर्म, मतलब ए का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ए आर का स्क्वेयर इक्वल टू ए का स्क्वेयर। अभी ये क्या हो गया, ए तो ये साइड आर स्क्वेयर इक्वल टू ये ए स्क्वेयर मैंने लिख दिया, तो ये स्क्वेयर ये इस साइड आ गया। ठीक है, अब इसको ये साइड भी कर सकते, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ उसको ए स्क्वेयर बाई ए, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर इक्वल टू कितना रहेगा ए, बट ए इक्वल टू कितना है, बट ए इक्वल टू हमारे पास है फोर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर, देयर फोर आर इक्वल टू कितना आएगा, आर इक्वल टू आएगा प्लस माइनस टू। ठीक है, आर इक्वल टू प्लस माइनस टू। अभी हमें क्या करना है, ए की वैल्यू आ गई फोर, ठीक है आर इक्वल टू हो गया टू। नाउ क्या हो गया, नाउ द फाइव नंबर, ठीक है फाइव नंबर्स कौन से है, यहाँ पे देखो ए बाय आर का क्यूब था, ठीक है ए बाय आर का स्क्वेयर था, बाद में ए बाय आर था और ए ए आर और ए आर का स्क्वेयर। देखो तो यहाँ पे इफ आर, अगर हम इफ आर इज इक्वल टू टू लेते हैं, ठीक है आर इज इक्वल टू लेते हैं एंड ए इक्वल टू हमारे पास आ गया फोर। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए बाय फोर मतलब यार फोर बाय टू, एक एक नंबर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो ए है हमारे पास फोर आर है टू। ओके, ये क्या आएगा, टू है यहाँ पे तो आर का स्क्वायर आएगा फोर। ठीक है, बाद में आएगा सेकंड ए बाय आर है तो ये है फोर ये है टू, उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा फोर, यहाँ पे आएगा फोर इंटू टू एट, यहाँ पे आएगा टू इंटू फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर मतलब कितना है सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू, ठीक है ये आएगा थर्टी टू। ओके, ये क्या होगा, देखो ये आ गया फोर मतलब यहाँ पे आएगा फोर बाय फोर मतलब ये आ गया वन। ओके, ये आएगा वन टू लिखा है और फोर लिखा है वन, यहाँ पे आएगा टू फोर एट एंड थर्टी टू। ओके, तो ये नंबर हमारे पास हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर एक एक नंबर हम निकालेंगे तो आते तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव नंबर्स, एक आ गया, ठीक है ये आ गया ए का स्क्वेयर था, ए का स्क्वेयर हमारे पास आर का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर इक्वल टू कितना है, तो ये टू है। ठीक है, हमने यहाँ पे गलत कर दिया उसको, आर इक्वल टू टू है और ए इक्वल टू फोर है, तो फोर इंटू फोर ये सिक्सटीन आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये सिक्सटीन। ठीक है, ये सिक्सटीन आपको लिखना है। ओके, तो नंबर आप डाल के देखिए यहाँ पे वन टू फोर एट, ठीक है वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन। सेकंड, अगर इफ आर इज इक्वल टू हमारे पास दिया है, आर इज इक्वल टू दिया है माइनस टू और ए इक्वल टू है फोर, तो ये क्या आएगा, देयर फोर फाइव नंबर आर, ए है हमारे पास फोर, आर है माइनस टू, ठीक है ये फोर ये माइनस टू, उसके बाद में आएगा ये फोर है ये फोर इंटू माइनस टू और ये है फोर इंटू माइनस टू का स्क्वेयर, ये क्या नंबर आएगा, ये आएगा माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आएगा आर, ये आर का स्क्वेयर मतलब यहाँ पे आएगा टू फोर आएगा ये प्लस फोर, ये आएगा वन, ये आएगा माइनस टू, ये आएगा फोर, ये आएगा माइनस एट और ये आएगा प्लस सिक्सटीन। ठीक है, तो ये टू फोर माइनस एट, ये नंबर आ गए फाइव, ये यहाँ पे आ गया, और दोनों में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। चलो एग्जाम्पल नंबर सेवन जो था हमारा एट, तो इसमें हमें फाइव नंबर फाइंड करने का बोला था, तो फाइव नंबर फाइंड करने के लिए आपको ये नंबर आप पहले याद रखने चाहिए कि नंबर कौन से हैं। ठीक है, चलो आगे चलते एग्जाम्पल नंबर देखो, चलो एग्जाम्पल नंबर नाइन क्या है। ओके, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज एक्स, एट टर्म ऑफ द जीपी इज वाई एंड एलेवन टर्म ऑफ द जीपी इज जेड, वेरीफाई वाई स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या गिवन दैट दिया है वो लिख देंगे पहले, गिवन दैट यहाँ पे क्या बोला है,
फिफ्थ टर्म ऑफ एक्स मतलब फिफ्थ टर्म क्या है यहाँ पे टी फाइव, ठीक है हम लिखे उसको टी वन टी टू अगर टर्म है टी वन टी टू अब टी थ्री अप टू ऐसी टी एन तक हम टर्म लेकर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम फिफ्थ टर्म मतलब टी फाइव इज इक्वल टू कितना लिख दिया टी फाइव इज इक्वल टू एक्स है ओके। और एट टर्म मतलब टी एट इज इक्वल टू कितना है वाई एंड एलेवन टर्म मतलब टी एलेवन इज इक्वल टू है जेड। बट फार्मूला क्या है हमारे पास वी नो दैट, ठीक है वी नो दैट यहाँ पे क्या है टी एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर ए इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन है, ठीक है टी एन हमें क्या दिया है टी फाइव सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ टी फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा ये ए इंटू आर रेस टू द पावर फाइव माइनस वन मतलब ये कितना आ गया ए इंटू आर रेस टू द पावर फोर ओके। तो ऐसे मैं लेता हूँ टी एट इक्वल टू कितना है ये है ए आर रेस टू द पावर वन माइनस हो जाएगा ये मतलब यहाँ पे आएगा सेवन। और वैसे लेता हूँ मैं टी एलेवन ये कितना आएगा ए इंटू ठीक है ए इंटू कितना आएगा ये आर रेस टू द पावर एलेवन माइनस वन मतलब ये आएगा टेन ओके। तो ये क्या होगा ये टी फाइव मतलब ये होगा एक्स ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। चलो आगे चलते उसको देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया तो वाई इक्वल टू हमें क्या दिया है वाई इक्वल टू दिया है ए आर रेस टू द पावर सेवन इसका कर देंगे हम स्क्वायर ठीक है। हमने वो क्या किया सिर्फ टी एट मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी वाई स्क्वायर हमें बोला है तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें शो करने बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आना चाहिए ठीक है एक्स इंटू जेड ओके। तो वाई स्क्वायर निकालने क्या आता है देखो ये आएगा ए का स्क्वायर और ये आर एस टू पावर आएगा 14 ओके। वैसे ही निकलते हैं एक्स इंटू जेड मतलब एक्स कितना है हमारे पास तो एक्स है ए इंटू आर एस टू पावर 4 इंटू जेड कितना है जेड है ए इंटू आर एस टू पावर 10 ठीक है। तो ए इंटू ए कितना होगा ए स्क्वायर और आर एस टू पावर 4 और आर एस टू पावर 10 है तो दोनों की होगी एडिशन तो आर एस टू पावर होगा 14। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड ओके। तो ये एग्जाम्पल 9th एग्जाम्पल नंबर था तो ये इजी एग्जाम्पल था। आपको क्या करना है सिक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व करते समय आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो एग्जाम्पल की जितने भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व दिए एग्जाम्पल दिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। आपको लगेगा कि 11th में कुछ फ़ायदा नहीं इसका ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीईटी देना है JEE देना है NDA की तैयारी करनी है अदर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये सिक्वेंस एंड सीरीज 11th के टॉपिक के भी ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो सिक्वेंस एंड सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से और सॉल्व करना है। चलिए आगे उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं क्या है तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है इफ पी क्यू आर एस आर इन जी पी मतलब पी क्यू आर एस हमें 4 नंबर दिया आर इन जी पी शो दैट पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर एंड आर प्लस एस आर ऑल्सो इन जी पी मतलब सम जो है वो भी क्या है जी पी में है मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर हमें यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए अगर इफ 4 नंबर आर इन जी पी तो हम क्या लिखते हैं सपोज ए ए आर का स्क्वेयर ए आर का क्यू आर ऑल्सो इन जी पी ठीक है ऑल्सो इन जी पी। तो ये क्या हो गई ये हो गई फर्स्ट टर्म इसे लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म एंड आर क्या है आर है कॉमन रेशियो ठीक है कॉमन रेशियो ओके कॉमन रेशियो जो हमारे पास है यहाँ पे आर इज द कॉमन रेशियो। अभी क्या करना है हमें यहाँ पे लेट हम क्या कंसिडर करते हैं लेट यहाँ पे कैपिटल आर में लेता हूँ लेट कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ठीक है कॉमन रेशियो और पी जो है ये पी क्या है पी इज द फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा हमें ठीक है देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या टर्म आएगी क्यू इज इक्वल टू आएगी पी आर ठीक है पी कैपिटल आर मैंने लिया ए आर ठीक है ए आर का स्क्वायर यहाँ पे आएगा ए आर ए इंटू ए आर ठीक है तो पी आर आएगा पी और ये क्यू क्यू लिखे हमने अभी आर आ गया ठीक है पी इज द फर्स्ट टर्म है आर क्या आएगा ये आएगा पी आर का स्क्वेयर एंड यस क्या आएगा यस आएगा पी आर का क्यूब कैपिटल आर मैंने लिया कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ठीक है। अभी क्या करना है हमें पूछा क्या है पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर एंड आर प्लस आर इज द कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या ऑल्सो इन जी पी हम क्या करते हैं टी एन प्लस वन अपॉन टी एन ये फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर कॉमन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर एंड आर प्लस है तो ये हमें सेटिस्फाई करना होगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं हम क्या करते हैं यहाँ पे सपोज यह टर्म क्या करते हैं मतलब मेरे पास ये जो लिखा है हमें फार्मूला ये कैसे लिखते हैं
वो T1 T2 है, T3 है, T4 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, T2 अपॉन T1, ठीक है, T2 अपॉन T1। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q+R, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, Q+R, देयरफॉर Q+R अपॉन यहाँ पे आएगा P+Q, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे रहता T3 अपॉन T2। तो T3 क्या हमारे पास, यहाँ पे R+S अपॉन Q+R। अभी क्या देखते हैं, ये जो क्यू आर एंड एस की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे आर इज द कॉमन रेशियो लेके ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव होता है कि नहीं देखते। तो फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे देखो, नाउ Q+R अपॉन P+Q, ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो Q+R, क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, PR, R क्या है, R है +PR का स्क्वेयर अपॉन, नीचे क्या है, P+Q, क्यू कितना है, PR, ओके। ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे P एंड R क्या है, कॉमन है, और निकाल सकते हम, तो P और R मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा, 1+R, ठीक है, अपॉन, नीचे देखो P कॉमन निकलता हूँ मैं, अंदर क्या रहेगा, 1+R, ठीक है। ये क्या होगा, ये PP गेट कैंसिल, 1+R, 1+R गेट कैंसिल, कितना रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा R, ओके। तो वैसे ही अभी अभी R+S, ये सेकंड नंबर का जो है, R+S अपॉन Q+R, अगर इसका भी आंसर आता है तो दोनों में कॉमन रेशियो सेम है, अगर कॉमन रेशियो सेम है तो PQRS तो GP में है ही, लेकिन Q+R और P+Q एंड R+S आर ऑल्सो इन GP, हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो R कितना है, R है यहाँ पे देखो PR का स्क्वेयर प्लस S है PR का क्यूब, ठीक है, PR का क्यूब अपॉन Q+R है, क्यू कितना है, क्यू है PR, और R है हमारे पास PR का स्क्वेयर, ओके। तो P और R यहाँ से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, PR स्क्वेयर, ठीक है, PR स्क्वेयर भी कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, 1+R, ठीक है, 1+R अपॉन, ये PR स्क्वेयर होगा, PR क्यूब होगा, अंदर यहाँ पे रहेगा, लिखूंगा मैं PR कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे रहेगा 1+R, ओके। ये 1+R 1+R गेट कैंसिल, यहाँ पे PP गेट कैंसिल, एक R और इसका R एक कैंसिल, दैट इज इक्वल टू आएगा ये भी R, देयरफॉर हम के लिख सकते हैं यहाँ पे Q+R एंड P+Q इज इक्वल टू है R+S एंड Q+R, मतलब ये दोनों का कॉमन रेशियो जो है ये सेम आ चुका है R, देयरफॉर लास्ट में लिखते हैं P+Q Q+R एंड R+S आर ऑल्सो इन GP, ठीक है, आर ऑल्सो इन GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना है यहाँ पे, ओके, एग्जाम्पल नंबर 11, चलो एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर डबल एवरी आवर, मतलब डबल हो रहा है कितने, एवरी आवर में डबल हो रहा है, ठीक है, मतलब डबल का रेशियो यहाँ पे आर इज इक्वल टू टू हम लिखते हैं, डबल हो रहा है, जैसे 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, तो डबल हो रहा है, तो कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे कितना रहेगा, और 2 रहेगा, तो आर इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो लिखेंगे बाद में। उसके आगे देखते हैं, इफ देयर वेयर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली कितना बैक्टीरिया है, 50 बैक्टीरिया है, तो ए जो है फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं हम, तो ए जो है ए इक्वल टू 50 होगा। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, मतलब फिफ्थ आवर में कितना होगा, ठीक है, फिफ्थ आवर में ये कितना बैक्टीरिया होगा, तो हमें फिफ्थ आवर अगर निकालना है तो T6 निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो, T5 नहीं, T5 नहीं, ये नहीं निकालना पड़ेगा हमें, तो क्या निकालना पड़ेगा, T6। तो इसके लिए क्या है, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया कल्चर, बैक्टीरिया इन कल्चर डबल एवरी आवर, ठीक है, बैक्टीरिया इन कल्चर, ठीक है, कल्चर डबल्स एवरी आवर, एवरी आवर, दैट इज यहाँ पे R इज इक्वल टू लिखते थे हम 2, कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे 2, वेयर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली 50 बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज A इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज A इज इक्वल टू होगा 50। तो ये दो टर्म हमारे पास अभी यहाँ पे आ गए, ठीक है, देयरफॉर क्या निकलना है, फिफ्थ टर्म, ठीक है, देयरफॉर बैक्टीरिया विल बी देयर एट एंड ऑफ 5 आवर, ठीक है, बैक्टीरिया विल बी, ठीक है, बैक्टीरिया एट फिफ्थ आवर पे लिखते हैं, एट फिफ्थ आवर,
फिफ्थ और अगर निकालना है तो हमें टी सिक्स की टर्म निकालनी पड़ती है, देयरफॉर टी सिक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन है, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर ए इंटू आर एस टू पावर सिक्स माइनस वन, तो ये कितना है, ए है 50 और आर है हमारे पास 2, 2 रेस्ट टू द पावर 5, 6 माइनस वन कितना होगा ये 5, तो ये कितना होगा, देयरफॉर बैक्टीरिया एट नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, ठीक है आप लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, ठीक है एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर 50 इंटू ये कितना आएगा 50 इंटू टू रेस्ट टू पावर 5, टू रेस्ट टू पावर 5 मतलब कितना होता है, ये होता है तो देखेंगे करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 4 और ये 2 4 4 16 इंटू 2 मतलब 32, ये होगा 32 ओके, इक्वल टू कितना होगा, ये इक्वल टू होगा देखो यहाँ पे 32 50 इंटू 32 ठीक है 52 इंटू 32 ये होगा 0 0 0 0 ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 0, ये एक 0 हो गया और ये 15 मतलब 0 0 1 6 ठीक है, तो ये होगा 1600 ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कितना होगा 1600 होगा आफ्टर द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, फिफ्थ आवर में ये एंड होगा ठीक है। चलो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम हाइट ऑफ 80 फीट ठीक है, अ बॉल इज सच दैट द बॉल इज सच दैट रिबाउंड 3/4 ऑफ द हाइट इट फॉलन ठीक है, मतलब 3/4 जो बॉल है यहाँ पे 80 फीट से हम यहाँ पे थ्रो कर रहे ड्रॉप कर रहे तो ये क्या होगा रिबाउंड 3/4 ऑफ द हाइट मतलब हाइट के 3/4 ये बाउंस होगा, हाउ डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6 बाउंस मतलब 6 बाउंस में ये कितना हाइट ये कवर करेगा, तो ये हमें निकालना है यहाँ पे देयरफॉर लेट में लिखता हूँ यहाँ पे लेट लेट हाइट हाइट इन सक्सेसिव बाउंस ठीक है सक्सेसिव सक्सेसिव बाउंस फ्रॉम जीपी क्या दिया है आर इज इक्वल टू सक्सेसिव बाउंस यहाँ पे 3/4 मतलब ये आर की वैल्यू जो सक्सेसिव बाउंस है यहाँ पे ये आर इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे 3/4 ठीक है ये 3/4 4/3 लिखा था मैंने ये 3/4 ओके थोड़ा ये कितना है ये है 3/4 ओके आर इज इक्वल टू 3/4 अभी क्या बोला है मतलब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट बाउंस कितना होगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें देयरफॉर देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंस द बॉल ड्रॉप फ्रॉम 80 फीट ठीक है बॉल ड्रॉप फ्रॉम 80 फीट थोड़ा ऊपर लेते हैं उसको ड्रॉप फ्रॉम 80 फीट हाइट तो यहाँ पे करेंगे हम फर्स्ट बाउंस यहाँ पे क्या होगा देन ठीक है यहाँ पे हम देन फर्स्ट बाउंस यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू हम निकालें ए इक्वल क्या आएगा 80 इंटू 3/4 ठीक है तो यहाँ पे 3/4 तो बाउंस है यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे क्या आएगा बाउंस उसका ये सक्सेसिव बाउंस 3/4 हमने लिया तो 80 इंटू 3/4 करेंगे तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी तो ए की वैल्यू हमें वैसे ही रखना है यहाँ पे उसको नाउ अब क्या करना है और टी एन मतलब टी एन इक्वल टू ए इंटू आर एस टी पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके हमें सिक्स बाउंस ठीक है हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन सिक्स बाउंस देयरफॉर बॉल बाउंस बी ओ यू एन ई ठीक है बाउंस एट सिक्स ठीक है सिक्स बाउंस पे क्या होगा देयरफॉर टी सिक्स इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टी पावर सिक्स माइनस वन होगा तो टी सिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए कितना है हमारे पास 20 इंटू 3/4 ओके इंटू आर कितना है तो आर है 4/3 रेस्ट टू द पावर 5 आएगा ये ठीक है ये क्या होगा 20 इंटू 4/3 रेस्ट टू द पावर 6 देयरफॉर एट 6 बाउंस ये क्या होगा 20 इंटू 4/3 रेस्ट टू द पावर 6 ये यहाँ पे होगा ठीक है
20 रिस्ट पावर 6। अगर हमें यन निकालना है तो क्या होगा, यन बाउंस, ठीक है, हाउ डज द बॉल रिबाउंड ऑन यन बाउंस, यन बाउंस अगर निकालना है तो ये क्या होगा, देयरफॉर एट टी एन फॉर यन बाउंस, तो ये ए इंटू आर रिस्ट्रिक्ट पावर एन माइनस वन तो फॉर्मूला है, देयरफॉर फॉर यन बाउंस, यन बाउंस ये कितना होगा, ये होगा ए टी इंटू 3/4, ये 4/3 लिखा मैंने, ये 3/4 है, ये 3/4 है, नहीं ये, चलो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 80 फीट, द हाइट ऑफ 80 फीट, मतलब 80 फीट से बॉल ड्रॉप कर रहे हैं हम, द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंस 3/4 ऑफ द हाइट इट फॉलन इट, मतलब ये 3/4 क्या हुआ, रिबाउंस हो रहा है 3/4 ऑफ द हाइट। ओके, हाउ डज द हाइट, हाउ डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6 बाउंस, मतलब 6 बाउंस पे ये कितना रिबाउंड होगा, बाउंस होगा, ये हमें निकालना है हाइट, और हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन द 6 यंथ बाउंस, मतलब यंथ बाउंस में कितना होगा और 6 बाउंस में कितना होगा, ये हाई जाएगा, ये हमें निकालना है। तो क्या दिया है हमें पहले यहाँ पे, बॉल क्या हुआ है, बॉल हाइट से कितने ड्रॉप हुआ है 80 फीट से, और द बॉल इज सच दैट रिबाउंड 3/4, ठीक है, ये 3/4 मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ सक्सेसिव बाउंस, ये हम यहाँ पे आर की वैल्यू 3/4 ले सकते, देयरफॉर द हाइट ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, हाइट ऑफ सक्सेसिव बाउंस आर इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू ले लो आप 3/4, ओके, आर इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन दिया है। ओके, उसके बाद में क्या बोला है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, देयरफॉर फॉर फर्स्ट बाउंस, ठीक है, फर्स्ट बाउंस यहाँ पे निकालेंगे, फर्स्ट बाउंस ऑफ बॉल, बॉल जो फर्स्ट बाउंस करेगा तो क्या आएगा, मतलब ए की टर्म हमें निकालना है, तो ए इक्वल टू 80 इंटू आएगा ये 3/4, 80 इंटू 3/4। अभी नाउ फॉर यन बाउंस, 6 बाउंस हमें, 6 बाउंस मतलब हम फॉर्मुलाइज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू, मतलब टी सी सी इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टी पावर 6-1 होगा ये, तो ए कितना है, ए है 80 इंटू 3/4, ठीक है, 80 इंटू 3/4 इंटू आर कितना है, तो आर है यहाँ पे 3/4, ये आएगा रेस्ट टू द पावर 6-1 मतलब 5, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर यंथ बाउंस 6 बाउंस, सॉरी 6 बाउंस, ये आएगा 80 इंटू 3/4 रेस्ट टू द पावर 6, ओके, ये 6 बाउंस ये आएगा, ठीक है, एंड हमें निकलना है नाउ फॉर यंथ बाउंस, यंथ बाउंस ये क्या होगा, ये होगा टी एन इज इक्वल टू, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू 80 इंटू 3/4 रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है एन माइनस टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस वन, तो टी एन हमने लिखा, तो ये एन टर्म के लिए माइनस वन होगा, ठीक है, तो ऑलरेडी ये एन है तो एन माइनस वन ये प्लस वन होगा, ठीक है, माइनस वन और ये प्लस वन आ जाएगा एन टर्म के लिए, ठीक है, तो देयरफॉर फॉर एन टर्म फॉर एन बाउंस, ठीक है, इज इक्वल टू 80 इंटू, ये क्या होगा, 80 इंटू एन माइनस वन कैसा होगा, एन प्लस वन कैसा होगा, 80 इंटू, तो एन टर्म के लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे 3/4 रेस्ट टू द पावर एन, ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू, मतलब जैसे हमने ये 6 टर्म के निकाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड में बताता हूँ मैं आपको, ये टी एन है तो 80 इंटू 3/4 मतलब ए इंटू, ठीक है, ये क्या हो गया, तो टी एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला हमारे पास यहाँ पे, ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन है, ए तो हमारे पास 80 इंटू 3/4, ओके, और आर कितना था, ये 3/4 रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, ओके, तो ये क्या होगा, एन माइनस वन ही तो ये इसकी पावर वन है प्लस वन, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वन लिखा ये, ठीक है, ये क्या होगा, 80 इंटू 3/4 रेस्ट टू पावर एन, तो एन टर्म एन बाउंस के लिए यहाँ पे 80 इंटू ये रहेगा, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया नीचे। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। द नंबर 3x एंड x प्लस 6 फॉर्म आर इन जीपी, फाइंड x 20 टर्म एंड n टर्म हमें फाइंड करना है। चलो तो देखो यहाँ पे नंबर दिया हमें, लेट 3x एंड x प्लस 6 आर इन जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव में ऑलरेडी ये नंबर है,
हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो सबसे टर्म हम इक्वल टू ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे हम तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स। ओके, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस एटीन, ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो। ये हमने क्या कर दिया, ये टर्म पॉजिटिव इस साइड आ गया तो ये निगेटिव हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं, फैक्टर उसके निकालने अभी, तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो। तो सिक्स इंटू थ्री माइनस माइनस यहाँ पे हमें देना चाहिए प्लस। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्स माइनस सिक्स और यह आएगा प्लस थ्री, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई करके देखना है ऊपर का वैसे के वैसे आता है कि नहीं। तो ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सिक्स एक्स है प्लस थ्री एक्स है माइनस एटीन हो गया। तो यह आएगा एक्स माइनस सिक्स और यह आएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू आएगा सिक्स और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये दो टर्म हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो ये एक्स की वैल्यू हमने निकाली, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, सेकंड हमें निकालना है अभी, सेकंड करना है ट्वेंटी टर्म, ठीक है, ट्वेंटी टर्म हमें निकालनी है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टी एन इज इक्वल टू, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन वाला। तो इसके लिए हमें ए तो पता है, मतलब यहाँ पे एक्स पता है, लेकिन ए क्या होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ट्वेंटी टर्म निकालनी है। तो ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, तो ए कितना है यहाँ पे, हियर ए इक्वल टू है थ्री, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमें दिया है थ्री एक्स एंड एक्स प्लस सिक्स है। तो आर नहीं पता है, तो आर क्या होता है, थ्री बाय एक्स, तो एक्स कितना है, थ्री बाय एक्स है, तो एक्स है हमारे पास यहाँ पे सिक्स, थ्री बाय सिक्स, तो ये कितना आएगा, एक्स कितना, सॉरी एक्स बाय थ्री होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए अगर हमें आर निकालना है, ठीक है, यहाँ पे देखो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना है, एक्स बाय थ्री, लेकिन एक्स कितना है, तो एक्स है सिक्स, सिक्स बाय थ्री होगा, ये कितना होगा टू। ओके, आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, देयरफॉर आर इज इक्वल टू टू। नाउ टी ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी टर्म निकलना है, तो ए है हमारे पास यहाँ पे थ्री और आर है टू रेस्ट टू द पावर ट्वेंटी माइनस वन, ये क्या होगा, थ्री इंटू टू रेस्ट टू द पावर नाइनटीन, ठीक है। अभी आर इज इक्वल टू टू, इफ अगर हम एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री लेते हैं, देन आर इक्वल टू कितना आएगा, आर इक्वल टू आएगा ये एक्स बाय कितना था, एक्स बाय थ्री, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस वन बाय, मतलब ये माइनस थ्री था, माइनस थ्री बाय थ्री, तो ये कितना आएगा माइनस वन। देयरफॉर टी ट्वेंटी एट आर इज इक्वल टू माइनस वन के लिए कितना आएगा, ये तो थ्री है ऑलरेडी और आर है हमारे पास माइनस वन, माइनस वन रेस्ट टू द पावर ट्वेंटी माइनस वन, तो ये आएगा थ्री माइनस वन रेस्ट टू द पावर नाइनटीन, मतलब ये आएगा माइनस थ्री, ठीक है। टी ट्वेंटी कितना आएगा, टी ट्वेंटी आएगा माइनस थ्री। ओके, और ये टी ट्वेंटी हमारे पास दो आ गए, यहाँ पे आएगा थ्री इंटू और टू रेस्ट टू द पावर नाइनटी और थ्री माइनस थ्री आ गया, ठीक है। उसके बाद में था एन टर्म, ओके देखो यहाँ पे एन टर्म हमें फाइंड करना था, एन टर्म क्या आएगा, चलो एन टर्म, देयरफॉर फॉर एन टर्म, देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू, टी एन इज इक्वल टू क्या, ए रेस्ट ए इंटू आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, तो ये हमारे पास है, ये कितना है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे थ्री, आर है, अगर हम आर कितना लेते हैं, आर लेते हैं सिक्स, तो ये एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन मतलब एन तो हमारे पास एन टर्म के लिए एन माइनस वन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आर इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये हो गया टी एन के लिए। और यहाँ पे कितना है, ए इक्वल टू थ्री है और आर इक्वल टू है, ठीक है, आर इक्वल टू है और सिक्स, ठीक है, आर इक्वल टू सिक्स के लिए। अब आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आर इक्वल टू अगर हम सिक्स लेते हैं तो आर इक्वल टू, सॉरी आर इक्वल टू टू के लिए, आर इक्वल टू टू के लिए ये टू रखना है, टू रेस्ट फॉर फॉर ए इक्वल टू थ्री एंड एन इज इक्वल टू अगर हम माइनस थ्री लेते हैं, कितना है एन इज मतलब आर इज इक्वल टू कितना लेते हैं, आर इक्वल टू लेते हैं अगर माइनस थ्री रखते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस वन, तो ये कितना आएगा, टी एन इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, तो ये आएगा थ्री इंटू माइनस वन रेस्ट टू द पावर माइनस वन, मतलब ये वही रहेगा माइनस वन, अभी एन की वैल्यू तो नहीं, ये थ्री माइनस वन रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन टी एन के लिए। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्टीन जो है यहाँ पे कम्प्लीट कर लिया।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं. मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% ईयर. इफ देर वेयर 200 मॉस्किटोज इन द बिगिनिंग, राइट डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 ईयर, 10 ईयर एंड nth ईयर. मतलब 3 ईयर, 10 ईयर एंड nth ईयर हमें बोला है. तो गिवन क्या दिया हमें, देखो यहाँ पे 10% क्या हो रहा है, 10% एवरी ईयर. ठीक है, एवरी ईयर ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहे, ग्रोइंग 10% एवरी ईयर ग्रोइंग हो रहे. ठीक है, और बिगिनिंग में कितना है, बिगिनिंग में है 200 मॉस्किटो. देयर फॉर यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू 200, बिगिनिंग टर्म जो थी हमारी ए इक्वल टू 200. अभी आर निकालना है तो क्या हो रहा है, ये देयर फॉर 10% इनक्रीज हो रहा है. देयर फॉर आर इक्वल टू, मतलब स्टार्टिंग से 1 प्लस 10% मतलब क्या है, ये 10% हो गया, 1 प्लस 10/100. ठीक है, ये क्या होगा, 10/100. इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, आर इक्वल टू क्रॉट 10/100, मतलब ये आएगा 11. ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये 11/10, आर इक्वल टू आएगा हमारे पास, आर इक्वल टू 11/10. फर्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया तो आर इक्वल टू ये आएगा और ए इक्वल टू वैल्यू आ गया हमारे पास. अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. तो फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, नाउ फॉर 3 ईयर्स तो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, 10%, सॉरी मॉस्किटोज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 10%. तो फर्स्ट ईयर, थ्री ईयर में अभी अभी निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला हुई है टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टी पावर एन माइनस वन. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, टी थ्री निकालना है, मतलब यहाँ पे टी फोर लेना पड़ेगा हमें. ए है हमारे पास 200 और आर है हमारे पास 11/10 रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन. एन माइनस वन मतलब कितना है, यहाँ पे 4 माइनस 1 तभी आएगा ये. ठीक है, तो ये कितना है, 4 माइनस 1. तो देयर फोर टी रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल टू 200 11/10 का आएगा ये क्यूब. ओके, 4 माइनस 1 कितना आएगा, ये 4 माइनस 1 आएगा क्यूब. देयर फोर टी फोर, देयर फोर फॉर 3 ईयर्स लिखते हम, 3 ईयर्स इक्वल टू 200 इंटू 11/10 मतलब आएगा ये 1.1 का क्यूब. ओके, अभी आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, नाउ फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए कितना होगा, ये वही फार्मूला. अभी टी 11 लेना पड़ेगा, ए है हमारे पास 200 और यहाँ पे आएगा आर, आर है 11/10 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस 1. 11 माइनस 1 मतलब ये 10 आएगा, तो ये 200 11/10 रेस्ट टू द पावर 10, तो ये आएगा. देयर फोर फॉर 10 ईयर के लिए टी 11 की टर्म हमारी 200 इंटू 1.1 रेस्ट टू द पावर 10. ठीक है, 1.1 रेस्ट टू द पावर 10, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वैसा भी लिख सकते हैं. उसके बाद में फॉर nth ईयर, ठीक है, वही फार्मूला टी एन इज इक्वल टू 200, ए है, आर है हमारे पास 1.1 रेस्ट टू द पावर n. ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन था और यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर 3 ईयर के लिए. ये आप उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है आज का. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15. द नंबर एक्स माइनस सिक्स टू एक्स एक्स स्क्वायर आर इन जीपी है. तो फाइंड करना है एक्स फर्स्ट टर्म एंड एन टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस सिक्स हमें दिया है, एक्स माइनस सिक्स टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर इन जीपी, मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. देयर फॉर ये क्या होगा, एक्स माइनस मतलब यहाँ पे 2x अपॉन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ये सक्सेसिव यहाँ पे टर्म होगी, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होगा. ओके, इसका हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, देखो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सिक्स. तो ये एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं वैसा. तो क्या आएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस सिक्स से यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये होगा 4 प्लस 6. देयरफॉर क्या आएगा, ये एक्स इज इक्वल टू आ गया 10. चलिए देखते फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फॉर फर्स्ट टर्म. ठीक है, पहला था हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म क्या था, एक्स माइनस सिक्स है. तो देयरफॉर एक्स माइनस सिक्स ये क्या आएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4. देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 4. उसके बाद में सेकंड क्या बोला था, सेकंड यहाँ पे है, चलो सेकंड क्या है, देखो सेकंड है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 4 आ गया. उसके बाद में ए इज इक्वल टू 4 हो गया. उसके बाद में एन टर्म, देयरफॉर फॉर एन्थ टर्म,
एन इज इक्वल टू ए है हमारे पास 4, और ए आर कितना है, तो आर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो आर कितना होगा यहाँ पे देखो, आर इज टू द पावर एन माइनस वन है हमारे पास, ओके आर इज टू द पावर एन माइनस वन, तो आर क्या आएगा देखो यहाँ पे एक्स माइनस सिक्स था और 2x था और एक्स स्क्वेयर था, तो एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास 10, या आ गया 4, यहाँ पे आएगा 20, और एक्स का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है ये आएगा 100, ओके तो ये आर कितना होगा इसका, ठीक है तो आर होगा यहाँ पे 5, ठीक है आर कितना होगा यहाँ पे देखो, आर लेना पड़ेगा हमें, आर की वैल्यू अगर लेनी है तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस सिक्स अपॉन 2x है, 2x अपॉन एक्स माइनस सिक्स है, ये कितना है 2, मतलब ये आएगा 20 अपॉन 4, तो ये आएगा 5, ठीक है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर आर इक्वल टू आएगा हमारे पास 5, तो आर इक्वल टू आएगा 5, देयरफॉर ये क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू 4 × 5 रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, एन टर्म हमारे पास है, ठीक है इस प्रकार हमने ये पूरे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल अभी इस लेक्चर में खत्म कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।